बहुत ही आदर सम्मान के इस पूरी मुहिम में साथी बनकर मेरे साथ आकर खड़े हुए बड़े भाई पूर्व सांसद अशोक तंवर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई राकेश जाखड़ जी, आपके लाडले, आपके सुख दुख के साथी बहुत ही कर्मठ भाई संजय कबलाड़ा जी मंच पर बैठे, पार्टी के बहुत ही कर्मठ पूर्व में प्रत्याशी भी रहे राजेंद्र ऐरी जी, हमारे प्रवक्ता भाई अजय जी, धर्मेंद्र जी, प्रीतम, बबीता जी, जगफूल, हमें नाम लेने लग गया तो नरेश भी नहीं देखे मेरा ले लो तो सम्मानित मंच, और इस मैदान को ऐतिहासिक दशा में परिवर्तित करने वाले बादरी हल्के के गांव गांव से आए मेरे बुजुर्गों, इतनी भारी संख्या में आई मेरी माताओं बहनों युवा साथियों, मैं पहले आप सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि संजय के प्रति आपने प्यार विश्वास दिखाने का काम किया। साथियों, चुनाव अंतिम छोर पे है, अब तो 58 घंटे बाकी रहेगी, ज्यादा समय भी नहीं है, पर इन 58 घंटों में जो हमने अब तक 58 दिनों में मेहनत करी थी उससे ज्यादा मेहनत करनी थी। हमें चंडीगढ़ अगर फतेह करना है तो फिर अगले 2 दिन अपने बूथ को फतेह करना पड़ेगा, दूसरे काम में निकलना पड़ना छोड़ दो, अपने बूथ पर गोटे डालोगे तब जाके कांग्रेस और बीजेपी हारेगी। आज बीजेपी और कांग्रेस के पास सिर्फ 2 चीज है, एक तो इनके पास पीछे गणे हैं, कोई कमी है तो बता दे इनके पास है ना गणे पीछे, और दूसरी चीज इनके पास है कैमरे की ताकत। आज टीवी खोल, मैं कल देख रहा था एबीपी न्यूज वाले ने दिखा रखी बीजेपी 83, मैंने कहा 90 में 110 दे देता 83। साथियों, अब आपको फैसला करना है, वोट टीवी से नहीं मिलेगी, वोट तो जमीन से जुड़कर कार्यकर्ता जो वोटे डालेगा उसकी मेहनत से मिलेंगे, और उसकी मेहनत से संजय आपका विधायक चुनकर जाने आता है। बारिश माइक का तार काट दिया मेरा निवेदन है, प्रार्थना, आप देखो कि आपका चुनावी सफर 11 महीने पहले कहां से शुरू हुआ, क्या कहते थे, ये तो 200-300 छोरों का टोल है, कहते थे नहीं कहते थे, और आज देश का प्रधानमंत्री अपनी सभा में क्या कहता है, ये जेजेपी क्या नहीं कहा, और फिर कहता है पुरानी विचारधारा की पार्टी, अरे 11 महीने जन्म में नहीं हुए पुराना बना दिया, था 30 साल पुराने लोग किसको तो उठा के घूमोगे। साथियों, हम पुराने विचारों की, आज के दिन इस प्रदेश में अगर युवा के अधिकार के लिए कोई लड़ा है तो केवल मात्र जननायक जनता पार्टी में। साथियों, मेरी विनती प्रार्थना है, समझो इस चुनाव को कैसे लड़ा जा रहा है। आज मैं देख रहा था लिस्ट बहुत लंबी आई हुई थी, क्या स्टार प्रचारक प्रदेश में कौन कौन आएंगे बाहर से, लिखा होता प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह,
योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी अशोक गहलोत सचिन पायलट हेमा मालिनी सनी देओल पता नहीं ऐसे ऐसे नाम जिनको इन प्रदेश के गांव का नाम भी पूरा नहीं याद है स्टार प्रचारक आए भाई हमारे स्टार प्रचारक तो पता कौन है ये खंड का बैठे देता हूँ ये राजा का नाम ये ढाई करोड़ के बाद भी स्टार प्रचारक बनकर इस पार्टी को आज यहाँ ले आई और अब आपकी जिम्मेवारी है इन लोगों को देखो भाषण आके क्या देते हैं गुजरात से मोटा भाई छोटा भाई आकर कहते हैं हम 370 हटा देंगे हमने हटा दी हमने बालाकोट पे बम फेंक दिए हमने देश हित के लिए ये करके दिखाया साथियों चुनाव हरियाणा का भाषण देवे गुजरात वाले बात करे कश्मीर की कोई सा भी ऐसा बीजेपी आड़ा नहीं है कि धनखड़ साहब अभी गए ये भाषण को ये नहीं कह सकते खट्टर ने कर दिया खट्टर ने वो कर दिया ये भी अपने भाषण को पूरे वे एक ही जगह पर लेकर करते हैं मोदी ने न्यू कर दिया मोदी ने न्यू कर दिया ब्याह खट्टर का फोटो मोदी पीछे पूछो 5 साल में किया क्या 5 साल में किसान की आय दुगनी कर पाया 5 साल में 5 गुना खुद की आय कर दी इसका एफिडेविट बोलता है इसके एफिडेविट में लिखा हुआ है कि ओम प्रकाश धनखड़ की जेब 5 गुना मोटी होगी 5 साल ये सारे वर्ल्ड कॉलेज वाली छोरियां धरने पर बैठी हैं आज तक अगर इनकी पैसे या इनकी डिग्री वापिस नहीं मिल पाई तो उसका कारण केवल ये है कि खुद मंत्री उस कॉलेज को खरीदना चाहता है साथियों बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए खट्टर साहब लिख दिया ईमानदार सरकार मनोहर सरकार लिखा नहीं लिखा कभी चोर अपने आप को चोर लिखता है और ईमानदार आदमी बैठे बैठे पंचायत बैठी है इनसे पूछ लो ईमानदार आदमी को कभी ये बताने की जरूरत नहीं मैं ईमानदार जनता उसको ईमानदार बोलती है ये तो वो लोग है जिनने 5000 करोड़ रुपया खदानों में खाया 1000 करोड़ रुपया आपकी रोडवेज की किलोमीटर स्कीम में खाया 100 करोड़ रुपया ये बिजली के मीटर जो घर के बाहर कर दिए ना गुजरात की कंपनी के उसमें खाया और तो और SC ST बच्चों की छात्रवृत्ति भी खा गए 25 करोड़ का घोटाला जिसमें 4.5 करोड़ तो आपके झज्जर जिले में खाने का काम किया साथियों छोटा किसको है ये छोरे बैठे छोरियां बैठी 300-300 किलोमीटर बस में धक्के कटाए नहीं कटाए इस सरकार ने और एक बार में भी 17 लाख को कटवाए ग्रुप डी में 15 लाख को कटवाए क्लर्क की भर्ती में मैं तो धन्यवाद करूंगा उस बहन का जिसने फेसबुक पे वीडियो गेड़ी और कहा कि खट्टर साहब मैं तो 300 किलोमीटर धक्के के है काटे पेपर भी सिलेबस से बाहर था मेरा तो अभी जीवन पड़ा है काम चल जाएगा सोच लियो हरियाणा की जनता तेरा पेपर 21 तारीख में कैसा बनाने वाला है और साथियों ऐसा करना पेपर बना दो ऐसा पेपर बना दियो कि 21 तारीख को जब मशीन टी 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 करे और 24 तारीख को नतीजा आए तो 75 पार नहीं जगन्नाथ कर्जों के गड्ढे होकर साथियों एक चीज जरूर आपको बोलूंगा कि आज के दिन आपके बीच में पार्टी द्वारा एक ऐसा कार्यकर्ता उतारा गया जिसने मेरे ख्याल से 11 साल तो हमारे साथ संघर्ष करते हो और एक दिन भी नहीं होगा आपके बीच में से गायब हुआ आज धड़कन ने तो टोड़ना पड़ेगा तो भी चंडीगढ़ जाओ दिल्ली जाओ फिर मंत्री जी टाइम देंगे तो मिलो संजयगा तो कड़े ही हाथ पकड़ लिया वही मिल जाएगा नहीं मिलेगा आपसे विनती है कि अपने आप को ताकत देने के लिए एक एक वोट चाबी का बटन दबा कर देने का काम करो और मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारे कई साथी मंच पर बैठे हैं राजेंद्र जी है धर्मेंद्र है अजय है ये वो साथी थे जिनके मन में चुनाव लड़ने की थी
मगर जैसे ही पार्टी द्वारा इन सबसे पूछकर संजय का नाम फाइनल किया, एक एक साथी ने कंधे से कंधा मिलाकर इसके साथ देने का और ये वादा मैं करता हूँ, संजय विधायक बनेगा इसके एक दिन में होगा तो इसके साथ चार्जर देने का काम करूंगा, इतनी ताकत दे दूंगा इनमें। मेरे साथियों अब आपने संभालना है मोर्चे, खट्टर साहब तो इधर बौखलाए हुए हैं, पीछे तो एक गरीब ब्राह्मण की गर्दन पर फरसा रख के कह दिया तेरी गर्दन काट दूंगा। आप कहते हैं दुष्यंत झूठ बोलता है, 5 साल एमपी रहा आपके बीच में, हिसार से था तो भी जब ट्रैक्टर पे गाज आई तो मुझे याद है उसका नाम धर्मवीर गुलिया था, अपना वर्कर है आपके हल्के का, उसका प्रीत का ट्रैक्टर आया था मेरे पास, 1 महीने ना पार्लियामेंट में बाढ़ के दोबारा गाटा बनाया उस ट्रैक्टर को। साथियों बात आई किसान की मजदूर की, 5 साल में आपके लिए पार्लियामेंट में संघर्ष किया ना किया, आपकी लड़ाई लड़ी और इसलिए लड़ी क्योंकि हमारी ताकत और कोई नहीं, हमारी ताकत तो आप जैसे हरियाणा की आम जनता कार्यकर्ता है, और मैं तो इसीलिए आज आपके बीच में आया कि उस ताकत को शक्ति बना दे। ये जो लोग कहते हैं कोई आंख दिखाए आंख निकाल लो, जो भारत माता की जय वह बोले वो पाकिस्तानी है, और तो और अनिल जैन बेचारा यूपी का है, प्रभारी तो बन गया, पीछे खूब टिकटे बेच बेच कर कमा कर दिए, क्या कहता है उतरना जाके, कहता है दुष्यंत तो बंदर है आग लगाता घूम रहा, बंदर तो हनुमान जी का रूप है नहीं है, और भाई कैमरा वाले से कहो मैं खंभों पे मार ले, ये देख लो हमारी तो ये सारी वानर सेना तैयार बैठी है बीजेपी की लंका ने घेरे का। जिता दोगे थारे भरोसे छोड़ जाऊं, पक्की बात है ना, देख लो मैं तो दीपाल जी के दामाद में भी ले आया, मुझे इसलिए लेना पड़ा, आज कितना समय हो चुका बादली का, ये रण जो चौधरी देवीलाल का गढ़ होता था, 15 साल हो गए गढ़ ने खोए, हो गए नहीं हुए, इस गढ़ ने दोबारा गढ़ बनाओगे, देख लो अगर चौधरी देवीलाल की ये फौज है तो ये मान लेना कि बादली के इस गढ़ में जैसे स्वर्ग को धीरपाल जी को जिताया करते थे, आज वो ही समय दोबारा है, उसी जोश शोर के साथ इस लड़ाई के मैदान में आपको उतरना पड़ेगा। मैं तो एक चीज जरूर आपसे आग्रह करूंगा कि पार्टी की घोषणाओं को घर घर तक पहुंचाओ, चाहे नौकरियों के अंदर, हरियाणा के युवा साथियों के लिए 75% की बात, साथियों दुख होता है एसटी इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आउट होती है और लिस्ट के अंदर हरियाणा के मिलते हैं केवल मात्र 80 में से 78 बाहर के, आज गुड़गांव में 17 लाख नौकरी है, हरियाणा की हिस्सेदारी 3-3.5 लाख, दिन प्रतिदिन हमारे रोजगारों में औरों का कब्जा हो रहा है, जब माटी थारी बिजली थारी पानी थारा तो नौकरियों में हिस्सेदारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैं ये वादा करता हूँ राज बढ़ने पर, जैसे चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन लिखी थी ना खाली कागज पर, रोजगार मेरा अधिकार अधिनियम लेके आएंगे 75% हर नौकरी पर। साथियों जहां बूढ़े बुढ़िया की बात है, चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन शुरू करी थी और इस सोच के साथ शुरू करी थी कि बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ेगा, नाम भी दिया था सम्मान पेंशन, आज 2000 तो पहुंच गई मगर बूढ़ों का मान सम्मान खत्म हो गया, क्या हालत है कि बैंक की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, 2-2 महीने में पेंशन आती है, 80-85 का भी ताऊ बैठा था, मैं पूछा मैं पेंशन लेने का बैंक में जाना पड़ता है, 90 साल के बूढ़े आदमी को बैंक में सरकार भेजती है, ये वादा हम करते हैं कि राज बढ़ने पर जहां बूढ़ों को तो सरकारी कर्मचारियों के बराबर 60 नहीं 58 साल और हमारी ताइयों को
55 साल की उम्र में बुढ़ापा पेंशन देने की व्यवस्था है, और बुढ़ापा पेंशन भी बैंक में नहीं लिफाफा पटवारी लेके आएगा घर पे पेंशन देने, और लिफाफे में कितने होंगे 2000 के 2, 500 के 2, और एक बैंगनी रंग का 100 का 5100। 5100 हमारी ताई के, 5100 हमारे ताऊ के, 10200 महीने के घर आएंगे बादशाह बच जाएगा नहीं बच जाएगा। साथियों, जहाज पीने के पानी की समस्या भी बादली के गांव में जब मेरे को जाने का मौका मिला, इसके अजय के गांव में गया था, वहां सारी औरतों ने आकर बोला कि हमारे पानी की समस्या बहुत बुरी है। हमने ये निर्णय लिया है कि चाहे शहर हो चाहे गांव, हर जगह बड़े पीने के पानी की स्वच्छता के लिए आरओ प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे हर घर तक निःशुल्क पीने का पानी पहुंचाने का काम आपकी सरकार कर। वहीं कैंसर की बीमारी आज परिवार परिवार तक पहुंच चुकी है। अपने तो ये पड़ोस में एम्स भी खुल गया, मगर इलाज के लिए पैसे बहुत लगते, गरीब आदमी को अपना घर जमीन बेचनी पड़ती है इलाज कराने में। इसलिए आपकी पार्टी ने निर्णय लिया कि राज बढ़ने पर चाहे काढ़ा पीलिया हो चाहे कैंसर हो, जान लेवा जितनी भी बीमारियां हैं उनका खर्चा फिर गरीब आदमी की जेब पर नहीं पड़ेगा, सरकार पूरी तौर पर निःशुल्क करने का काम करेगी। और उसके लिए चाहे सामने एम्स जाना पड़े चाहे मेदांता जाना पड़े, ये फिक्र ना करियो कि अपनी खूट बेचने पड़ेगी। साथियों, वही चाहे कर्ज मुक्ति की बात, क्या प्रदेश के अंदर आज बेटियां बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बीजेपी ने बात करी, मगर हमने ये नारा लिया है कि बेटी को पढ़ाने के लिए हरियाणा प्रदेश की बेटियों की पीएचडी तक की शिक्षा पूरी तौर पर मुफ्त करने का काम आपको। जहां कर्मचारी साथियों की बात है, खट्टर सरकार ने इन कर्मचारियों के जितने लट्ठे बरसाए इतने आज तक किसी ने नहीं बरसाए। मैं तो कर्मचारी साथियों को वादा करता हूं कि राज बना दो, पुरानी पेंशन स्कीम तो बहाल करेंगे, पंजाब के समान वेतन देने का भी काम एक एक कर्मचारी साथी को। वही जहां ये चलान कट रहे, अभी मेरे मोबाइल पे आई हुई थी कि एक कैंटर फतेहबाद में फसल गेरने गया मंडी पे, 4 किलो ओवर लोड था सिर्फ, 4 किलो तो 2 मुट्ठी में बिठा लेगा किसान, 4 किलो ओवर लोड का उसका चलान काट दिया 33,000। फतेहबाद में एक ट्रैक्टर का चलान काटा था 67,000, मोटरसाइकिल के चलान तो सबके कटे हों, कोई 23,000, कोई 25,000, कोई 29,000। इस नई स्कीम को जहां प्रदेश में समाप्त करेंगे, किसान के ट्रैक्टर को पूरी तौर पर चलान की कटवाई से मुक्त करने का काम आपकी है। साथियों, मैं तो एक विनती करूंगा, अभी मेरे को कोई बता रहा था कि धनखड़ साहब ने आज सनी देओल बुला रखा था। भाई सनी देओल का तो 8-2.5 किलो का, हमारा संजय तो पूरा 100 किलो का है, और हमने तो कोई सनी देओल की जरूरत नहीं, काम तो संजय का हाथ मजबूत कर दियो। और मैंने सुना हुड्डा साहब कल सामने आके गए थे, बीजेपी के वोट मांग रहे थे, मन से कह रहे थे कि भाई हमने नहीं दोगे तो बीजेपी ने दे दियो, कई लोग वोट काटने आए हैं। हुड्डा साहब, उपचुनाव आपकी पार्टी भी हमारे सामने लड़ी थी, जब भी आप कहते थे वोट काटने आए, रणदीप सुरजेवाला की जमानत मात्र 700-800 वोटों से बचने का काम हुआ था। और इस बार भी बादली की जनता ने मन बना लिया है, आपने बड़ा धोखा दिया है इस इलाके के साथ, राज बढ़ने पर। साथियों, ये बात आपको जरूर वादे के साथ कहता हूं कि कलम संजय के हाथ में विधायक बनाकर आप दे दो, उसमें शाही इतनी डाल दूंगा कि इस इलाके के काम रुकने का। अंत में तो मैं आपसे
विनती और प्रार्थना इतनी करता हूं कि अब ये चुनाव कोई मेरा संजय का चुनाव नहीं, ये हरियाणा की जनता का चुनाव है। साथियों, जिस तरीके से पिछले 10 दिनों में आपकी पार्टी का प्रचार बढ़ा है, मैं ये मानता हूं कि प्रदेश के अंदर आप सरकार बना रहे हैं। ये कई पत्रकार साथी माइक लगा के पूछ देते हैं कि गठबंधन होगा, किसके साथ जाओगे। साथियों, ना तो कमल ताला खोल सकता, ना हाथ घुसा के ताले को खोला जा सकता। चंडीगढ़ विधानसभा का ताला तो चाबी खोलेगी, और चाबी भी इतनी ताकत अगर आपने दे दी तो मैंने लगा छल्ले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करोगे इस बार? छोटा सा मारोगे नहीं मारोगे? मेरे साथ जोरदार नारे लगाओ, भारत माता की। और ये उनके लिए जो कब कहते हैं भारत माता की जय बोलना, रे पाकिस्तानी है। साथियों, मोदी जी आके हमें कहते हैं कि राष्ट्र हित की भावना सीखो। इन्हें बता दो गुजरात से आए हो, आज तक जितने जवान हमारे हरियाणा के शहीद हुए हैं, सारे गुजरात ने तो इतने फौज में जवान भी नहीं दिए। हमें तो गर्व है इस मिट्टी पर, हमें गर्व है इन माताओं बहनों पर जिनने अपने बेटे को सुहाग को आज बॉर्डर पर खड़ा कर रखा है कि भारत की सेना का हर 10वां जवान इस हरियाणा की धरती से बंदूक पकड़े चाइना के पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा। और इनको बता दो हम तो लड़ाई लड़ेंगे उसी माहौल के साथ जो भरत सिंह ने लड़ी थी, और एक नारा आजादी वाला लगा दो, इस प्रदेश को इस झूठी खट्टर सरकार से मुक्ति दिला दो। दोनों हथाले और सनी देओल ने बेरा कितना किए, ढाई किलो के कई हजार हाथ उठ गए। और हमारी दिल्ली की यूनिट भी यहाँ मौजूद है, और आपके बादली का भाईचारा ग्रुप भी यहाँ मौजूद है। मैं उन तमाम साथियों का समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।